नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए और बेहतरीन एपिसोड में। नवरात्र के बहुत ही शानदार तरीके से जो है नवरात्र जो है खत्म होने के लिए आज का दिन जो है आखिरी दिन है। आज के दिन जो है नवमी का जो है दिन है और बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरे लिम्बी चिंचोली गाँव में जो है हम नवरात्र मना रहे हैं। पूरे सोलापुर शहर में, पूरे भारत देश में हम नवरात्र मना रहे हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है आज आखिरी दिन है नवरात्र का, तो हमारे गाँव में जो आज बहुत ही शानदार जो है अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे हवन वगैरह होते हैं गांव के शांति के लिए, गांव के भलाई के लिए। तो फिर चलिए उन्हीं चीज़ों को जो है अभी देखने के लिए अपन गांव की तरफ जा रहे हैं। देखेंगे बोलते किस प्रकार से जो है पूरे लिम्बी चिंचोली गांव में जो है हवन वगैरह चल रहे, तीनों मंडलों में किस प्रकार से जो है आज नवमी का दिन जो है सादरा किया जा रहा है। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। चलो भाई लोग, फाइनली अपन पहुंच चुके हैं अपने गांव के पावर गेट के पास। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो है यहाँ पर मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ पर हमारे लिम्बी चिंचोली गांव के अंबाबाई मंदिर को जो है सजाया गया है। पूरे गांव के भाविक जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस मंदिर को जो है सबसे पहला माने हमारे गाँव में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, जिसमे जो है गाँव की शांति के लिए जो है पूरा प्रार्थना की जा रही है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है भाई। पहली बार जो है मैं किसी यज्ञ को देखूंगा लाइव, वो भी तो सही है माशाल्लाह, एकदम जबरदस्त। क्या आप बोल, मंदिर बहुत खूबसूरत दिखता मालूम क्या है, लाइटिंग में बहुत भारी दिखता। ओम चंडिकायै स्वाहा, चंडिकायै इदं नमः। तो आप गाँव के प्रगतिशील क्षेत्र बड़े बड़े लोग यहाँ पर दिखने गए, सब चिंचोली गाँव के बड़े बड़े लोग, डीजे सैम वगैरह सब यहाँ बैठे ले आगो। सही है, चलो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है पूरा यज्ञ वगैरह चल रहा। चलो देखेंगे बोलते किस प्रकार से यज्ञ वगैरह चल रहा, किस प्रकार से जो है पूरे अलग अलग जो है अलग अलग पूरा किया जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है गांव में यज्ञ चल रहा। बहुत ही शानदार यज्ञ चल रहा है यार, एकदम माशाल्लाह जबरदस्त। एक नंबर हवन चल रहा है, एकदम खतरनाक माहौल है माशाल्लाह, एकदम जबरदस्त खतरनाक एकदम। अभी तक जो है सिर्फ पिक्चरा में, स्टोरीज में, महाभारत में, रामायण में यज्ञ देखा था, लेकिन लाइव पहली बार देख रहा है यार, बेहतरीन रहता है। सही पुष्पा भाई का भी जो है आगमन हो चुका है यहाँ पर। ज्वालामुखी रगत ज्वाला भेद्या सर्व संदीजो, ओम चंडिकायै स्वाहा, चंडिकायै इदं नमः। ओम अग्ने स्वाहा, रसे लोके च गंगे च सप्ये च स्पर्शे च योगिनी, सत्त्वं रजस्तमस्यैव सत्ये सत्ये नारायणे सदा। और पुष्पा भाई क्या चले, लक्ष्मी चक्रिणी, ओम
पुत्रान रक्षेन महान लक्ष्मीर भाजा रक्षतु भैरवीन पंचान सुपत सुपदा रक्षेन मार रक्षेम करी तथा राजद्वारे महान लक्ष्मीर विजया सर्वदा तथा ओम चंडिकायै स्वाहा चंडिकायै इदं नमः रक्षायणं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिने पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छु भवमात्मना कवचेदावृतो नित्यं यत्र यत्र इह गच्छति ॐ चण्डिकायै स्वाहा चण्डिकायै इदं नमः। ये सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त जो है पूजा है नवमी की, आखिरी दिन की जो है पूजा कर रहे हैं यहाँ पर सब मानकर ही औरता चाहिए जो देवी के सेवा में न जाने कितने सालों से काम कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन यार, एकदम जबरदस्त चल रहा। देखे देखे तक नौ दिन कैसे खत्म हुए नवरात्रि के पता भी नहीं चल रहा। बहुत ही शानदार तरीके से जो इस साल का नवरात्र हुआ माशाल्लाह, फुल एंजॉय के साथ, फुल मजा मस्ती के साथ। मंदिर जो है इस रात में जो है पूरे पावर ग्रिड की लाइटिंग और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है भाई, तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करे भाई, बहुत ज्यादा मजा मस्ती करे माशाल्लाह, एकदम जबरदस्त। बहुत ही शानदार हुआ यार, ಚದ್ರ ಬಿದ್ರ ಚದ್ರ ಬಿದ್ರ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ನವದರ ಕೇರಮ್ಮ ಅಂಬರಿ ಮಾತ ಗುಂಬಜ ಗುಮ್ಮತ ಇವರು ಬಂದು ಕಳಸಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವ ಚಿರಗಿರಿ ಬೇಕಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ ಸರಿಸಮ್ಮ ಎಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎದ್ರ ಬಿದ್ರ ಚದ್ರ ಬಿದ್ರೇನ ಕೇರಮ್ಮ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪೈಲ ಸತತ ಪವರೆ ನುಲಗಿರಿ ಬಂಡಮ್ಮ ಜಲರಿ ಜಲಾಲಿ ದಂಡಮ್ಮ ನವರತ್ನ ಮುಚ್ಚಿನ ಚಂಡಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯವನ್ನು ಜಗಿ ಜಗಿ ಜರವ ಕರಪುರ ಜೋಜಮ್ಮ ನವಕಾಂಡವನು ನಗಾರಿ ಕಾಣಿ ನಿಶಾನಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಮ ಓ ಓದುವ ವೇದಮ್ಮ ಕವಿಗೂಡಿನಿ ವಿದ್ಯಾ
न चित्रकाले न विद्यमाले न वधुषिणोलम्मा जय जय मंगल आरती मोरु एत्तलिबेकम्मा शक्ति याकिरबेकम्मा नयनद ज्योतिय जोकम्मा जय नम पार्वती पति अर अनुतल चप्पड़गा कम्मा जय नम पार्वती पति अर अनुतल चप्पड़गा कम्मा गणावतारम संसारम सदावसम कमृति अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरव विराजयामि हर ओम यज्ञे यज्ञमहितं तदेव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ध्यानाकं महिमानः सजं त्रयत्रपूर्वे साध्यासं तदेव गुरुदेवो महादेवो गुरुदेवो सदाशिव गुरुदेवात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः जय मंगलम जय नमः पार्वतीपते शिवर रामाले बोल भवानी माता की जय तुझा भवानी माता की जय हरे राधा सदानंदी रेणुका चलो भाई लोग बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूजा वगैरह भी ले चलो गेल्या अनेक वर्षापासून सोलापूर अक्कलकोट हायवेवर येणाऱ्या स्वामी भक्तांची गुरु भक्तांची व तसेच सिद्धेश्वर भक्तांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. त्यासोबतच या सर्व भक्तांची गैरसोय सुद्धा खूप वाढली आहे. हीच गैरसोय वळसण गावातील एका गृहस्थाला आवडली नाही व त्यांनी सर्व भक्तांच्या सेवेकरिता सोलापूर अक्कलकोट हायवेवर वळसण गाव टोल प्लाझा जवळ या संपूर्ण हायवेवरील सर्वात प्रशस्त स्वच्छ सुंदर व अलिशान असे शुद्ध शाकाहारी हॉटेल उघडले ज्याचे नाव गॅलेक्सी फॅमिली रेस्टॉरंट असे आहे. या भव्य दिव्य रेस्टॉरंट मध्ये तुम्हाला प्रचंड अशी पार्किंगची सोय मिळेल. यासोबतच आमच्या या भव्य दिव्य रेस्टॉरंट मध्ये प्रवास करून आलेल्या सर्व स्वामी भक्तांकरिता सर्व ग्राहकांकरिता जे आहे प्रशस्त असे महिला व पुरुष असे वेगवेगळे वॉशरूमची सोय सुविधा उपलब्ध आहे. ज्या ठिकाणी तुम्ही चांगल्या प्रकारे फ्रेश होऊ शकता व आपल्या सर्व प्रवासाची जी आहे थकावट दूर करू शकता. ग्राहकांच्या सेवेसाठी आमचे रेस्टॉरंट सकाळी 7 ते रात्री 12 पर्यंत चालू असते. तुम्ही रात्री 12 जरी आला तरी तुम्हाला सेवा दिली जाईल. सर्व ग्राहकांच्या सेवेखातीर आमचे स्टाफ सदैव तत्पर असते. आमच्या येथे सर्व ग्राहकांसाठी शाही बैठक व्यवस्था उपलब्ध आहे. आम्ही एकाच वेळेस 150 अधिक ग्राहकांची सेवा करू शकतो. आमच्या येथे कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करत स्वच्छता राखली जाते. आमच्या येथे या हायवेवरील सर्वात प्रशस्त असे किचन अवेलेबल आहे जेथे 40 अधिक पदार्थ रोज कोणतीही नासाडी न करता बनवले जाते. आमची सर्विस ही खूप फास्ट आहे. आमच्या येथे नाश्त्यामध्ये पुरी भाजी इडली मेदूवडा शिरा उपीट पोहे चहा कॉफी त्यासोबतच मिसळपाव अशा वेगवेगळे प्रकारचे पदार्थ तुम्हाला खायला भेटतील. त्यासोबतच जेवणामध्ये वेज अंगारा पनीर लाजवाब वेज जयपुरी वेज मक्खनवाला पनीर मक्खनवाला वेज गॅलेक्सी स्पेशल थाली व तसेच आपल्या प्रिय महाराष्ट्रीयन स्पेशलमध्ये धपाटे शेंगापोळी खवापोळी शेंगा चटणी ठेचा आलू परोठा व उपवासाचे भोजन हे व इतर अनेक प्रकारचे व्यंजनांचा आस्वाद तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायला भेटेल. या अनेक प्रकारच्या व्यंजनांसोबतच आमच्या येथे वेज चायनीज जेवणसुद्धा भेटते हां ज्यामध्ये वेज मंचुरियन वेज 65 वेज शेजवान राईस ट्रिपल शेजवान फ्राईड राईस सूप व इतर व्यंजनांचा आस्वाद भेटेल. मग आता वाट कसली पाहताय? एकदा जरूर भेट द्या गॅलेक्सी फॅमिली रेस्टॉरंट टोल प्लाझा जवळ वळसण गाव. आमचे मोबाईल नंबर आहे 8600360086. ग्राहक सेवा हेच आमचे धर्म. एकदा याल तर परत परत याल. धन्यवाद. पूरे आतिशबाजियों के साथ और उसके साथ साथ बेहतरीन पूजा अर्चा के साथ बेहतरीन माहौल के साथ जो है भक्तिमय माहौल के साथ जो है ये आज नवमी की पूजा जो है समाप्त हो चुकी है. लिंबी चिंचोड़ी गांव के भवानी माता मंदिर अंबाबाई माता मंदिर के पास
बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरी पूजा का जो है कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है यज्ञ हुआ है। बहुत ही शानदार तरीके से जो है गांव के सभी भाविक जो है यहां पर समाविष्ट हुए थे। अभी भी जो है गांव के दो बेहतरीन मंडलों में जो है हमें नवरात्र का नवमी की जो है पूजा देखनी है। तो फिर बहुत ही शानदार तरीके से जो है यहाँ पर ये पूरी पूजा जो है समारोह हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर में जो है सभी लोगों के बीच में जो है भाविकों के बीच में जो है महाप्रसाद जो है वाटप किया जाएगा भाई। बहुत ही शानदार तरीके से जो है पूरा कार्यक्रम जो है हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारे सुतार भाई ने जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी पूजा को जो है समाप्त किया है। दो साल के लंबे अंतराल के बाद जो है इस साल हमने जो है नवरात्र के उत्सव को मनाया है। बहुत ही खुशी से मिलजुल कर जो है सर्वधर्म समभाव के साथ जो है इस साल का जो है नवरात्र हमने उत्सव मनाया है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा माशाल्लाह, एकदम जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर डांस चल रहा, फुल एंजॉय। नवरात्र का जो है समारोपण हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे लोग एंजॉय कर रहे भाई।
शानदार तरीके से डांस चलेगा बाबा यहाँ हमारा। अंगात आले देवा फडकलं पण देवा एकच नंबर Yeah.
वादियों के साथ जब हमारी नाइट होती है एकदम खतरनाक। गेल्या अनेक वर्षापासून सोलापूर अक्कलकोट हायवेवर येणाऱ्या स्वामी भक्तांची, गुरु भक्तांची व तसेच सिद्धेश्वर भक्तांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे। त्यासोबतच या सर्व भक्तांची गैरसोय सुद्धा खूप वाढली आहे। हीच गैरसोय वळसण गावातील एका गृहस्थाला आवडली नाही व त्यांनी सर्व भक्तांच्या सेवेकरिता सोलापूर अक्कलकोट हायवेवर वळसण गाव टोल प्लाझा जवळ या संपूर्ण हायवेवरील सर्वात प्रशस्त, स्वच्छ, सुंदर व अलिशान असे शुद्ध शाकाहारी हॉटेल उघडले, ज्याचे नाव गैलेक्सी फॅमिली रेस्टॉरंट असे आहे। या भव्य दिव्य रेस्टॉरंट मध्ये तुम्हाला प्रचंड अशी पार्किंगची सोय मिळेल। या सोबतच आमच्या या भव्य दिव्य रेस्टॉरंट मध्ये प्रवास करून आलेल्या सर्व स्वामी भक्तांकरिता, सर्व ग्राहकांकरिता जे आहे प्रशस्त असे महिला व पुरुष असे वेगवेगळे वॉशरूमची सोय सुविधा उपलब्ध आहे, ज्या ठिकाणी तुम्ही चांगल्या प्रकारे फ्रेश होऊ शकता व आपल्या सर्व प्रवासाची जी आहे थकावट दूर करू शकता। ग्राहकांच्या सेवेसाठी आमचे रेस्टॉरंट सकाळी 7 ते रात्री 12 पर्यंत चालू असते। तुम्ही रात्री 12 जरी आला तरी तुम्हाला सेवा दिली जाईल। सर्व ग्राहकांच्या सेवेखातीर आमचे स्टाफ सदैव तत्पर असते। आमच्या येथे सर्व ग्राहकांसाठी शाही बैठक व्यवस्था उपलब्ध आहे। आम्ही एकाच वेळेस 150 अधिक ग्राहकांची सेवा करू शकतो। आमच्या येथे कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करत स्वच्छता राखली जाते।
आमच्या येथे या हायवेवरील सर्वात प्रशस्त असे किचन अवेलेबल आहे, जेथे 40 अधिक पदार्थ रोज कोणतीही नासाडी न करता बनवले जाते। आमची सर्विस ही खूप फास्ट आहे। आमच्या येथे नाश्त्यामध्ये पुरी भाजी, इडली, मेदूवडा, शिरा, उपीट, पोहे, चहा, कॉफी, त्यासोबतच मिसळपाव असे वेगवेगळे प्रकारचे पदार्थ तुम्हाला खायला भेटतील। त्यासोबतच जेवणामध्ये वेज अंगारा, पनीर लाजवाब, वेज जयपुरी, वेज मक्खनवाला, पनीर मक्खनवाला, वेज गैलेक्सी स्पेशल थाली व तसेच आपल्या प्रिय महाराष्ट्रीयन स्पेशलमध्ये धपाटे, शेंगा पोळी, खवा पोळी, शेंगा चटणी, ठेचा, आलू परोठा व उपवासाचे भोजन हे व इतर अनेक प्रकारचे व्यंजनांचा आस्वाद तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायला भेटेल। या अनेक प्रकारच्या व्यंजनांसोबतच आमच्या येथे वेज चायनीज जेवणसुद्धा भेटते हां, ज्यामध्ये वेज मंचुरियन, वेज 65, वेज शेजवान राईस, ट्रिपल शेजवान फ्राईड राईस, सूप व इतर व्यंजनांचा आस्वाद भेटेल। मग आता वाट कसली पाहताय, एकदा जरूर भेट द्या गैलेक्सी फॅमिली रेस्टॉरंट टोल प्लाझा जवळ वळसंगाव। आमचे मोबाईल नंबर आहे 8600360086। ग्राहक सेवा हेच आमचे धर्म, एकदा याल तर परत परत याल। धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस बेहतरीन वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। आज बहुत ज्यादा एंजॉय करें भाई, बहुत ज्यादा राड़ा लपड़ा करें, बहुत ज्यादा नाचे, बहुत ज्यादा एंजॉय करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हमारे गांव के अंबाबाई मंदिर की जो है पूरी मिरुड़ समाप्त हो चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से पूजा वगैरह हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा नवरात्रि का जो उत्सव है समाप्त हो चुका है इस मंदिर का। तो कल जो है दशहरे का त्यौहार होगा इंशाल्लाह। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताओ। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर इतनी बेहतरीन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवराय। इस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। बहुत ही शानदार जो है पूरा कार्यक्रम चल रहा, सब बड़े बड़े लोग, सब मंडल के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे ले। आखिर में जो है हमारे सुमित भाई आए चाहे नहीं पूरे कार्यक्रम के अस्तर। वाह वाह वाह, माताड़ बेड़ा।